नमस्कार, न्यूज 21 में आपका स्वागत है। मैं फलक शेख, आइए नजर डालते हैं आज की खास खबरों। चुने हुए इंग्रेडिएंट्स और फाइनेस्ट ग्रेडिंग से बनते हैं लाजवाब टेस्टी मसाले, राजेश मसाले। क्या चटपटा है राजेश मसाला, ट्राई करिए। अच्छा, राजेश मसाले, देश मसाले। गिरिडीह लिखित आश्वासन के बाद आजसू ने तोड़ा आमरण अनशन। जमुआ गिरिडीह कालाबाजारी के लिए जा रहे चावल लदे वाहन को थाने से छोड़ दिए जाने के विरोध में शनिवार से आमरण अनशन पर बैठे आजसू नेताओं का अनशन सोमवार को तीसरे दिन समाप्त हुआ। छोड़े गए वाहन JH 11E 7248 के चालक मालिक डीलर अनिल कुमार सिन्हा सहित 5 लोगों के विरुद्ध MO शिव पूजन राम ने प्राथमिकी दर्ज कराई है। वीडियो विरोध कर्मकार और CO रामबालक कुमार ने जूस पिलाकर अनशनकारी आजसू प्रखंड अध्यक्ष गौतम सागर राणा और सचिव मोहम्मद जावेद का अनशन तोड़वाया। इससे पहले BDO श्री कर्मकार, CO श्री कुमार, MO शिव पूजन राम, प्रभारी चिकित्सा पदाधिकारी डॉक्टर राजेश दुबे एवं थानेदार प्रदीप कुमार दास के साथ आजसू नेता सत्यनारायण दास, कार्यकारी जिलाध्यक्ष शंकर यादव आदि ने वार्ता की। BDO ने दर्ज प्राथमिकी की कॉपी अनशनकारियों को सौंपी। अनशनकारियों का कहना था कि प्राथमिकी वाहन के मालिक, चालक डीलर, राइस मिल के मालिक एवं राइस मिल का फर्जी चालान प्रस्तुत कर वाहन थाना से छुड़वाने वाले जगन्नाथ डी निवासी विनोद कुमार साव के विरुद्ध मामला दर्ज किया गया, जबकि इस मामले में दोषी पदाधिकारियों पर भी कार्रवाई हो। BDO ने दोषी पदाधिकारियों पर भी कार्रवाई का भरोसा अनशनकारियों को दिलाया। BDO के लिखित आश्वासन के बाद अनशन तोड़ा गया। यहाँ यह बता दें कि बीते 23 नवंबर को पोबी के डीलर अनिल कुमार सिन्हा के घर से 52 पैकेट चावल लाद कर जा रहे बोलेरो पिकअप वाहन JH 12E 7248 को ग्रामीणों ने पोबी मोड़ में खदेड़ कर पकड़ लिया। इस दौरान दिल मोहम्मद अंसारी, मंसूर अंसारी, वासुदेव यादव, रामेश्वर यादव, प्रकाश वर्मा, लक्ष्मी देवी, रूबी देवी, सुरेश गोस्वामी आदि भी उपस्थित थे। मोहम्मद उबैदुल्लाह शमसी की रिपोर्ट। जमुआ प्रखंड में पिछले 3 दिनों से धरना और अनशन पर बैठे थे, आज उनके द्वारा अनशन समाप्त कर दिया गया। उनकी कुछ मांगे थी जिसमें कुछ आपूर्ति पदाधिकारी को लेकर के और अनाज को लेकर के, जिसमें FIR दर्ज कर दिया कराया गया है और बाकी जांच करके आवश्यक कार्रवाई जिला को सौंपी। धन्यवाद पदाधिकारीगण से कि आगे की कार्रवाई जो आश्वस्त किए हम लोगों को, उच्च स्तरीय कार्रवाई हो, इन लोगों पर लगाम लगे और MO साहब सहित DSO पर भी कार्रवाई होनी चाहिए, क्योंकि मामले को रफा दफा करने की साजिश में पहला हाथ जो है सो DSO का भी रहा था। यही हमारी मांग है। किनके जिम्मा है इस पर एक सवाल खड़ा होता है और मैं जिला प्रशासन से मांग करता हूं कि वो 52 बोरी जो चावल जिस पदाधिकारी ने जिम्मा लिया उस किस आधार पर, किस नियम के तहत उन्होंने उसको छोड़ा, इसकी जांच होनी चाहिए। गाड़ी नंबर और गाड़ी के चालक और जिस डीलर पर आरोप लगाया गया था उस डीलर और जो फर्जी बिल जो हजारीबाग तृप्ति राइस मिल से लिया गया था वो फर्जी बिल थाना में शो किया गया और उसके आधार पर गाड़ी को रिलीज किया गया था और उस फर्जी बिल का जो वेंडर है उनके ऊपर भी मुकदमा किया गया और आज हम लोगों को जो हमारा मांग था FIR दर्ज होनी चाहिए, FIR दर्ज हुई। इस आधार पर हम लोग आज अनशन को समाप्त किए और ये आंदोलन की एक जीत है और तमाम वहाँ के ग्रामीण लोगों की एक जीत है।